हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव। एसएमसी मतलब स्वास्थ्य मोबाइल केयर। और आज मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज देने वाला हूं दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं क्रिप्टो करेंसी का बादशाह बन गया हूं, बड़े बड़े चैनलों की तरह मैं कोई आपको कैंडल या उसका ग्राफ दिखाऊंगा जो आपकी समझ से भी परे होगा और आप उसको समझ नहीं पाएंगे और आप कहेंगे यार ये समझ ही नहीं आ रहा, चलो ये जो बोल रहा है वो सही है। मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो में निचोड़ देता हूं और मैं बताता हूं कि क्या होगा एकदम बेस्ट चीज, मतलब सिंपल साधारण लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है, क्या करना है और क्या हो सकता है। अभी तक जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सब मुझे बोलते हैं भाई आपकी बात जो है ना समझ आ जाती है, इसलिए हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। कुछ क्वेश्चन से मैं लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर देता हूं, मैं जितना जानता हूं कि मैं 100% अभी फिलहाल मैं 100% जो मेरे कमेंट है उनका मैं जवाब दे रहा हूं। जिनका जवाब नहीं मिला हो मुझे बताना, मैंने आज तक ऐसा करा नहीं, छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी। तो मैं जो आपको बताने आया हूं कि मैं आपने अगर क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो क्रिप्टो करेंसी खरीदने का सही तरीका क्या है, मतलब कब बाय करना चाहिए। कितने नए यूजर हैं जो जुड़ते हैं वो सब समझ ही नहीं पाते यार इसको कैसे खरीदें, क्या खरीदें और कैसे खरीदना चाहिए, मतलब कब खरीदना चाहिए, उसको कैसे पहचाने यार कि खरीदना चाहिए, इस टाइम खरीदना चाहिए या इस प्राइस पे खरीदना चाहिए, तो कैसे खरीदें। मैं आपको निचोड़ बता देता हूं दोस्तों इसको क्या करना। चलिए हमारी एक मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे खरीदना, बहुत सिंपल ग्राफ में समझाऊंगा दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और आगे की वीडियो चेक कर लीजिए। देखिए दोस्तों ये है मार्केट और मार्केट में मैंने सारे कॉइन्स खोल लिए आपके सामने, देखिए सारे कॉइन्स है, सारी चीजें हैं। तो अगर मैं बात करूं जैसे मैं नैम कॉइन की बात करते हैं, अगर नैम कॉइन देखिए दोस्तों अभी 19.13 रुपये है, तो पहले समझ लेते हैं लोएस्ट और हाईएस्ट को। अगर मैं लोएस्ट की बात करूं तो 24.91 रुपये है और हाईएस्ट जो है 33.83 रुपये है, मतलब ये लोएस्ट और ये हाईएस्ट ये आज का है। और अगर मैं बात करूं पिछले हफ्ते की तो 24.91 रुपये जो है वो लोएस्ट था पिछले हफ्ते, और इस जो लास्ट में जो हाईएस्ट गया वो 59.12 रुपये गया, मतलब ये 59 रुपये तक जा चुका है। और इस आज की बात करूँ तो आज 33 रुपये पर जा चुका है, मगर फिलहाल जो है वो 29 रुपये है। तो मतलब देखिए लोएस्ट या हाईएस्ट, अब आपको इसमें डिसाइड करना है कि अपने लोएस्ट पे है कि हाईएस्ट पे है या बीच का पॉइंट है, ये खरीदने का समय है कि नहीं है। और अगर मैं दूसरे कॉइन की बात कर लेता हूँ, मान लीजिए बात कर लेता हूँ जिलिका की, जिलिका देखिए दोस्तों अभी 13.49 रुपये है, जो लोएस्ट था इसका आज जो लोएस्ट गया वो था 11.87 रुपये और 14.67 रुपये जो है इसका ये था हाईएस्ट। अब हाईएस्ट और लोएस्ट में देखिए दोनों चीज़ें आपके में ये हो गया कि आपको ये लोएस्ट पे है और ये और हाईएस्ट पे ये था। अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूँ तो पिछले हफ्ते 8.59 रुपये लोएस्ट गया और हाईएस्ट 14.94 रुपये। तो अभी फिलहाल देखिए ये अपने लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में ही है, मतलब बिल्कुल जो पॉइंट जो है बिल्कुल आसपास का ही है। तो इसको आप अभी ना खरीदें तो बेहतर रहेगा क्योंकि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ दूसरे कॉइन्स की, दूसरा अगर मैं डोज कॉइन की बात करूँ तो डोज कॉइन देखिए दोस्तों आज 4.33 रुपये का है और जो लोएस्ट गया था आज 4.17 रुपये का गया और हाईएस्ट 4.32 रुपये। तो ज़्यादातर ये अपने लोएस्ट और हाईएस्ट के बिल्कुल बीच की कंडीशन में, मतलब अपने हाईएस्ट पे ही है लगभग, तो अभी इसको ना खरीदें क्योंकि अपने बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पे चल रहा है, आज के हाईएस्ट पे चल रहा है। तो अब डिसाइड कैसे करें, ये तो लोएस्ट हाईएस्ट का हो गया, मगर एक और तरीका है जो इसका है ऑडियंस पोल, कि आप ऑडियंस क्या कर रही है इस टाइम, मतलब जितने जो इसके बायर हैं वो क्या कर रहे हैं, अगर आप उसको देख के लेंगे तो 100% है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। अब उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं डोज कॉइन की बात कर लेता हूँ, चलिए दोबारा तो नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पर एक है ट्रेडिंग एक्टिविटी, अब ट्रेडिंग एक्टिविटी में क्या आ रहा है दोस्तों, देखिए सेलर जो है इसके 70% है, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको छोड़ रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, तो अभी ये खरीदने का टाइम नहीं है, इसको बेचने का टाइम है, इसका मतलब ये अपने कहीं ना कहीं हाईएस्ट पे चल रहे हैं तो इसको बेच रहे हैं, बायर इसके कम है। अब दूसरा अगर मैं बात करूँ आपको जिलिका की, तो जिलिका में भी चले जाते हैं दोस्तों, देखिए जिलिका में क्या हो रहा है 65% बायर है और सेलर जो है 35% है, मतलब इसको भी खरीदा जा सकता है जिलिका को, 65% बायर है लेकिन लोग ज़्यादा नहीं खरीद रहे हैं, लगभग लगभग सेम ही खरीद रहे हैं, कम ही खरीद रहे हैं। अगर मैं बात करूँ नैम की, तो देखिए नैम का देखिए चमत्कार क्या हो रहा है, 92% बायर है, मतलब ये इसको खरीदने का बहुत बढ़िया तरीका है क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको खरीद रहे हैं, मेजोरिटी जो है वो खरीदने वालों की तरफ है। तो अगर आप इस कॉइन को अभी खरीद लेते हैं ना तो आपको 100% प्रॉफिट होगा क्योंकि बायर ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि अपने लोएस्ट पे चल रहा है, तो इसको खरीदना बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका बताया, आगे वीडियो में चलते हैं, आगे मैं आपको इसको थोड़ी और चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों
देखा आपने कितना आसान था क्रिप्टो करेंसी। दो तीन स्टेप है दोस्तों, जब जब किसी चीज के बायर ज्यादा हो तो आप बायर खरीद, बायर ज्यादा हो तो मतलब उसको ज्यादा खरीद रहे हैं, मतलब वो लगभग कम रेट पे है तभी लोग ज्यादा जुड़े हैं। जिस तरफ मेजोरिटी होती है ना उस तरफ क्या होता है कि वो चीज ज्यादातर लगभग सही होती है। आपने कौन बनेगा करोड़पति कभी देखा होगा, तो ऑडियंस पोल जब भी होते हैं ऑडियंस पोल आज तक गलत हुआ ही नहीं। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखिए ऑडियंस पोल गलत हुआ ही नहीं। तो अगर मैं ऑडियंस पोल के बारे में बात करूं तो वही एक छोटा सा ऑडियंस पोल होता है कि किस समय क्या है। अगर बायर ज्यादा है तो छोटा जो यूजर है वो उसमें घुस सकता है, बायर ज्यादा है तो बायर में मतलब उसका रेट जो है कम है तो उसको खरीद सकता है, और अगर सेलर ज्यादा है तो मतलब वो बेचने का टाइम है, लोग उसको सेल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी हाइट पे है। तो मतलब ये जो निशान है ना बहुत बढ़िया है, और ग्राफ मैंने बहुत आराम से समझा दिया आपको। लेकिन मुझे एक चीज जरूर बताना यार दोस्तों, आप क्या खरीदना पसंद करते हैं? बहुत ज्यादा बड़ा कॉइन जैसे एक बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, ऐसे कॉइन जो लाख दो लाख रुपए के कॉइन है और 35-40 लाख के कॉइन है वो खरीदना पसंद करते हैं, ये 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए 10 रुपए जो छोटे यूजर को समझ आ जाता है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी समझ आता है यार ये वाला कॉइन खरीदे, इसका हिसाब किताब मैं लगा सकता हूं या मुझे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, आप वो खरीदते हो। मुझे जरूर बताना दोस्तों आप छोटे कॉइन खरीदना पसंद करते हो कि बहुत ज्यादा बड़े कॉइन खरीदना पसंद करते हो, ये मुझे जरूर बताना। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब मतलब इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं। इस टाइम में अगर बात करूं तो रात के 3 बज चुके और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, रिंग लाइट लगी हुई है, सारी लाइटें जली हुई है, मेरे को नींद आ रही है मगर मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूं। तो अगर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं इस बारे में दोस्तों, तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। थैंक यू सो मच।